नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल तथास्तु अनुभव में और स्वागत है आपका आज के नए इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि लगभग एक महीने में सूर्य अपनी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और इसका जो इफेक्ट होता है वो 12 की 12 राशियों में दिखाई देता है। इस समय सूर्य जो गोचर कर रहे हैं वो वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि वाटर एलिमेंट की राशि है, यानी जल तत्वीय राशि है। और 16 दिसंबर को सुबह 6:03 में सूर्य जो है वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्वीय राशि है और इसे ऑन करते हैं जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 16 दिसंबर को जैसे ही सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे उसी टाइम से खर मास लग जाएगा। खर मास का मतलब होता है इस टाइम पीरियड में किसी तरह के मांगलिक कार्य वगैरह नहीं किए जाते। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। जिनकी भी मेष राशि है उनके लिए सूर्य उनके 9th हाउस से गोचर करेंगे, यानी भाग्य भाव का फल देंगे। और आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य आपके 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं, यानी पंचम भाव के स्वामी होते हैं। जब भी 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस से ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता है। छोटी मोटी जो भी परेशानियां आपकी पहले से चली आ रही हैं वो परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी। ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य से उनका केंद्र का संबंध बन जाएगा। केंद्र का संबंध का मतलब होता है जब भी ग्रह एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 ऐसे में आएंगे तो इसको कहते हैं केंद्र का संबंध होना। सूर्य और गुरु का केंद्र का संबंध होना वैसा ही है, इतना ही शुभ होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक राजा है और एक गुरु है, यानी एक मार्गदर्शक है और एक राजा है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा या इन दोनों का आपस में संबंध अच्छा होगा तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो। तो देवगुरु बृहस्पति का सूर्य से जो है केंद्र का संबंध बनेगा, ये भी बहुत अच्छा है। जब भी कोई ग्रह, जैसे देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में इस टाइम पे गोचर कर रहे हैं, तो वो अपनी दूसरी राशि यानी धनु राशि का जो इफेक्ट होगा यानी जो प्रभाव होगा उसे बूस्ट कर देंगे, उसके प्रभाव में वृद्धि कर देंगे। इसलिए सूर्य यहाँ पे और अच्छे रिजल्ट देंगे। जो स्टूडेंट्स सरकारी गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। ओवरऑल उनकी पढ़ाई के लिए टाइम बहुत अच्छा है। आपकी जो भी परेशानियां पिछले महीने से चली आ रही हैं वो परेशानियां खत्म होंगी। अब आपका जो वर्क प्लेस है यानी जो आपका बिजनेस है, जॉब है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, उन सभी फील्ड में आपको एक बूस्ट, एक इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा। यानी आपका एनर्जी लेवल जो है अलग ही एक लेवल पे होगा। आपके जो काम रुके हुए थे वो भी बनेंगे। पैसा अगर कहीं फंसा हुआ था वो भी आपको मिलेगा। आपका आपके फैमिली से बहुत अच्छा तालमेल हो जाएगा, आपके फादर के साथ बहुत अच्छा तालमेल हो जाएगा। आपको अपने फादर के साथ तालमेल अच्छा बनाकर भी चलना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट दें हमेशा। तो 2-3 चीजें आपको हमेशा फॉलो करनी है। नॉनवेज नहीं खाना, फादर का जो आपके पिता है उनका आपको सम्मान करना है, और इसके अलावा आपको सुबह जो है सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करना है। प्राणायाम योगा वगैरह करने की भी कोशिश आपको करनी चाहिए, इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये मौका अपने हाथ से आपको जाने नहीं देना चाहिए, आपको एफर्ट डालना चाहिए। जो प्लानिंग आप कर रहे थे उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो योजना आप बना रहे थे वो सफल हो सकती है। इसके अलावा जो आपने कुछ निर्णय अगर आपको लेने हैं इंपॉर्टेंट, वो आप इस टाइम पीरियड में ले सकते हैं। यानी आप लगभग जो काम करने के लिए जाएंगे, जो काम करने की आप शुरुआत करेंगे उसे आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे और वो काम आपका सफल होगा, यानी आपका वो काम बनेगा। इसके अलावा 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक ये कि आपको अपने फादर के साथ अपना रिलेशन अच्छा बना के चलना है, नॉनवेज से दूर रहना है, अल्कोहल से दूर रहना है, और तीसरी चीज ये कि आपको फादर का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और खुद के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इसके अलावा ओवरऑल ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक कामों में आपका मन लगेगा, यात्राएं जो करेंगे आप यानी ट्रैवलिंग करेंगे वो भी ट्रैवलिंग आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगी, मन आपका शांत रहेगा। और ये पूरा एक महीना आपको मेंटली रूप से बहुत रिलैक्सिंग फील होगा और आपके सारे काम जब जो रुके हुए थे वो बनने लगेंगे तो आपको अंदर से भी बहुत अच्छा महसूस होगा, फील होगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर और अच्छा हो सकता है अगर आप सूर्य को सुबह अर्घ देना शुरू कर दें, यानी जल देना शुरू कर दें। लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर है वो इनके 8th हाउस से होगा, अष्टम भाव से, और सूर्य आपके लिए 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। 8th हाउस में पहले से बुध और शुक्र हैं और अब सूर्य भी यहां पर आ जाएंगे। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए जब यहां पे बुध आए थे ना उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, शुक्र भी लग्नेश होकर यहां पे बैठे हैं उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, और अब सूर्य के आने की वजह से भी यहां पे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले नहीं है। आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप हार्ट से रिलेटेड पेशेंट हैं, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आपको इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
घर में आपके जो माहौल है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। घर में नेगेटिविटी आ सकती है, घर में छोटी मोटी बातों में झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। इन सब चीज़ों को आपको ही कवर करना पड़ेगा, आपको ही इन सब चीज़ों में ध्यान देना होगा ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कोई बड़ी बड़ा रूप ना ले लें। इसके अलावा आपको अपने फादर के भी हेल्थ का ख्याल रखना है, खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखना है और अपनी माँ के हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं सूर्य, जो कि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आकस्मिक चीजें आपके साथ हो सकती हैं, आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं, आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आकस्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और कहीं ना यात्राएं आपके पक्ष में हैं और दुर्घटनाएं तो बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं है। उसके लिए तो आपको बिल्कुल बच के रहना चाहिए। अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो प्लीज अभी रुक जाइए, आपको सोच लेना चाहिए थोड़े से, एक बार अपने डिसीजंस में आपको फिर से एक बार जो है रिकैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदिए मत। कोई नया गाड़ी वगैरह खरीद रहे हैं उसके लिए अभी आपको रुक जाना चाहिए। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट आप कोई फैसला लेने वाले हैं उसके लिए अभी आपको इस टाइम पीरियड के दौरान रुक जाना चाहिए। किसी भी दूसरे के झगड़े में आपको बीच में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे के झगड़े में आप फंस जाएंगे। इसलिए आप दूसरों के झगड़े से भी दूर रहिए और खुद से भी ये कोशिश करिए कि आपके साथ आपके घर घर में या और किसी बाहर में कोई झगड़ा ना हो। इसके अलावा अगर बात करें तो घर में थोड़ा सा वातावरण अच्छा नहीं होगा, तो इस वजह से आपका मन भी अशांत रहेगा। अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, खास तौर पे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या फिर हार्ट से रिलेटेड, तो उसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नॉनवेज बिल्कुल मत खाइए, अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिए, दूसरों के झगड़ों में बिल्कुल मत फंसिए। संपत्ति यानी अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं तो बेच सकते हैं, लेकिन खरीदिए बिल्कुल नहीं। ये टाइम आपको थोड़ा सा शांत रह के जो है काटना होगा, और कोई नए फैसले, कोई महत्वपूर्ण फैसले अगर आप लेने वाले हैं तो आपको एक बार से या तो आप रुक जाइए, और अगर आप रुक नहीं सकते हैं तो फिर आप थोड़ा सा उन फैसलों के बारे में एक बार और सोच लीजिए कि क्या वो फैसला लेना जरूरी है, और अगर आपको लेना ही है तो क्या वो हर तरह से सिक्योर रहेगा। अगर इन सब चीजों को आप एक बार देख लेंगे तो ये गोचर जो है आपको उतना नुकसान नहीं देगा जितना नुकसान दे सकता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए नॉनवेज नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं करना है। फादर जो है आपके पिता हैं उनका हमेशा सम्मान करना है। सुबह उठकर आप सूर्य को जल दीजिए, इस एक महीने एटलीस्ट आपको सुबह उठकर सूर्य को रोज जल देना चाहिए। इससे सूर्य को जो है पावर मिलेगा और ये गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा, उतने बुरे रिजल्ट नहीं देगा जितने दे सकता है। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर सेवेंथ हाउस में होगा, सप्तम भाव में, जहां से पार्टनरशिप का जो आपका बिजनेस होता है, पार्टनर बिजनेस होता है उसका विचार करते हैं, मैरिड लाइफ का, रिलेशनशिप का, या फिर कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं उनका विचार किया जाता है। और सूर्य आपकी कुंडली के हिसाब से आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं, पराक्रम भाव के स्वामी। दो तीन चीज़ों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, जैसे आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका जो है आत्मसम्मान जो है मान सम्मान आपको समाज में मिलेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके एक चेहरे में एक अलग से ओज समझ में आएगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर आप फ्री बिजनेस कर रहे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए, रिलेशनशिप वालों के लिए ये जो गोचर है वो अच्छा नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी हेल्थ में इशू हो सकते हैं, और आपके और उनके बीच के रिलेशनशिप में इशू हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो लोग जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी इशूज़ चल रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गोचर आपकी शादी को डाइवोर्स तक ले जा सकता है। तो इस वजह से इस सिचुएशन को आपको हैंडल करना होगा। इसके अलावा बिजनेस के लिए अच्छा है, अगर ट्रैवल करते हैं उसके लिए भी बढ़िया है। कहीं ना कहीं अगर देखें तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरों से आप मिलेंगे, अपना आपका जो प्रभाव है वो दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा, कहीं ना कहीं समाज में जो एक आपकी इमेज बनी हुई है वो इन्हेंस होगी। लेकिन अगर लाइफ पार्टनर के उसमें देखें तो इसमें नुकसान है, अगर बिजनेस के लिए देखते हैं तो बढ़िया है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप वाला इशू है, अपना जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस तक ही रहे, वो मतलब घमंड में ना बदले, यानी दूसरों को कहीं ये नहीं लगने लगे कि आप जो है घमंडी हो गए, तो आपको जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस तक ही रखना है। आत्मसम्मान ही रहना चाहिए, अभिमान नहीं बनना चाहिए। और इसके अलावा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ में और लव रिलेशनशिप वाले लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आप चाहें तो आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए सूर्य को सुबह उठकर जल दे सकते हैं। फादर का आपको हमेशा सम्मान करना है, अपने पापा का सम्मान करना है, पिता का,
और कहीं ना कहीं आपको अल्कोहल नहीं लेना है। आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए इसे एक महीने के लिए, और कोशिश करिए कि आप सुबह उठ के योगा वगैरह करते हैं जिससे आपका माइंड थोड़ा फ्रेश रहे। और कोई भी डिसीजन लेने के पहले एटलीस्ट आपको एक दो बार सोच लेना चाहिए। अगर घर में आपके कुछ मनमुटाव होता है तो उसमें आपको चाहिए कि आप विवाद को बढ़ाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप विवाद को खत्म करने की कोशिश करें। वहीं अगर कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो ये गोचर जो होगा वो ये आपके सिक्स्थ हाउस में होने जा रहा है, और जो सूर्य हैं वो आपके कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस में गोचर करेंगे अगर, तो दो तीन मामलों में तो ये बहुत अच्छा है। जैसे आपको पैसा उधार देना नहीं है, आप ले सकते हैं लेकिन आप पैसा उधार नहीं देना आपको। आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, यानी जो सूर्य हैं वो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो पैसों के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धन आगमन के रास्ते बने रहेंगे। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको डेली कैश आप जो है अर्न करते हैं तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिजनेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, अगर आपने पैसा किसी को दिया तो डूबने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका यूज करना चाहिए। समाज में आपकी जो इमेज है वो बढ़िया होगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपका जो जो एफर्ट है आपके, उनमें आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हैं, पहले से ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं और पहले से ज्यादा आप अपने काम में फोकस्ड हैं, तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आपके जो छुपे हुए एनिमीज हैं, शत्रु हैं, वो इस टाइम पे खुल के आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि अपने शत्रुओं के ऊपर आप ही हावी होंगे, लास्ट में जीत आपकी ही होगी, उनकी नहीं। इसके अलावा अगर बात करें कि कोर्ट कचहरी, अगर आपका कोई ऐसा केस चल रहा है जो कोर्ट से रिलेटेड है, या आपके कोई ऐसे पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, उसमें बहुत अच्छा टाइम है। उसमें आपको ये टाइम जो है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें और अच्छे से लग के आप ये चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगी, पॉजिटिव आपको इसमें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका कोई संपत्ति से रिलेटेड किसी कोई डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। तो कमी कहां पर है? कमी बस इसमें है कि आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि छठे भाव में सूर्य जब गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी देते हैं। इसके अलावा आपको पैसा दूसरों को उधार नहीं देना है, पैसा आप ले सकते हैं, दूसरे को देना नहीं है। तीसरी चीज ये कि अगर आप किसी इलीगल केस में, ऐसे किसी केस में फंसे हुए हैं जहां पर आपका पक्ष कमजोर है और आपको मालूम है कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं हो सकते, तो मैं बता दूं कि इसमें आपको थोड़ा सा संभल के चलने लायक है। यानी अगर आप अपने साइड से सही हैं, आपने सही चीज के लिए आप लीगली लड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई काम आपको नहीं करना जो कहीं ना कहीं इलीगल हो या इलीगली आप इस काम को मतलब करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इस दौरान जो है आपको कानूनी मामलों में फंसने के भी चांसेस हैं। तो इस चीज का आपको खाली ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। धनागमन के भी बहुत अच्छे जो है चांसेस बन रहे हैं, और ये पूरा महीना यानी 16 दिसंबर से लेकर जनवरी तक का महीना, लगभग 15 जनवरी तक का महीना आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके फिफ्थ हाउस से होने वाला है, और उनकी कुंडली के हिसाब से सूर्य उनके लग्नेश बनते हैं। फिफ्थ हाउस से गोचर होगा तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, अंदर से एनर्जेटिक महसूस होगा, मेडिटेशन वगैरह करने का मन होगा, मेडिटेशन वगैरह में मन लगेगा, शांत जगह पर रहने का आपका मन करेगा। इसके अलावा बात करें, कोई गुड न्यूज आपको सुनने में आ सकती है महीने के शुरुआत में ही, जैसे ही सूर्य गोचर करेंगे विद इन वन वीक आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज सुनने में आ सकती है। कोई बहुत पुराना अगर आपका पैसा फंसा हुआ वो वापस आपको मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जिस फोकस के साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं उसी फोकस के साथ पढ़ाई करते रहे, मे बी उनको इस दौरान कोई बहुत अच्छी न्यूज सुनने में आए। अगर उनका कोई रिजल्ट आने वाला था तो उसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव उनको अप्रोच मिले और उनको बहुत सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिले। हाँ, ये गोचर उन लोगों के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए ये गोचर थोड़ा सा अच्छा नहीं है। फिफ्थ हाउस में जब सूर्य गोचर करते हैं तो ये गर्भ को जलाने का काम करते हैं, यानी यहां पे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको थोड़ा सा अपने हेल्थ का क्या करना है ध्यान देकर चलना है। अगर कोई नया काम शुरू करने वाले हैं शुरू कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लेना है फैसला ले भी सकते हैं, इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। वर्क प्लेस के लिए बहुत बढ़िया है, मैरिड लाइफ के लिए भी कहीं कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही, एज इट इज चलेगा और अच्छा ही होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजें और बढ़िया से आपको मिले, क्योंकि आपकी सिंह राशि है और आपके राशि के स्वामी ही सूर्य बनते हैं जो फिफ्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि भले ही सूर्य का गोचर आपके किसी भी भाव से हो, लेकिन आप सुबह सूर्य को जल देना ना भूलें, दूसरा फादर का सम्मान करें, और तीसरा नॉनवेज और अल्कोहल से जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर हो जाएं। आपको आप देखेंगे कि सिर्फ इस गोचर में नहीं, आपको लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं।
बात करें अगर कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर हो रहा है उनके फोर्थ हाउस से, और सूर्य आपकी कुंडली के हिसाब से आपके ट्वेल्थ हाउस यानी द्वादश भाव के 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। ये गोचर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस दौरान अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी आपके साथ। अगर यात्रा आप करेंगे, क्योंकि यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन वो यात्रा जो आप करेंगे वो भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं होने वाली। इसके अलावा परिवार में आप देखेंगे ना, तो एक मनमुटाव वाली स्थिति बनी होगी। परिवार वालों के बीच में आपकी जो मदर हैं, जो माँ हैं, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, फादर के स्वास्थ्य में भी दिक्कत हो सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं, दोनों में ही अभी आपको रुक जाना चाहिए, या अगर बहुत ज़रूरी हो तो एक बार अपने फैसले को दोबारा अच्छे से जाँच पड़ताल करने के बाद ही कोई इस तरह का फैसला, बड़ा फैसला लेना है। अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वर्क प्लेस में, तो अभी रुक जाइए, मत करिए। अगर स्पेशली कोई वाहन खरीदने वाले हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर, तो अगर बहुत बुकिंग वगैरह हो गई है और आपको इसी डेट में वो मिल सकता है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अभी आप केवल प्लान कर रहे हैं, तो इस दौरान प्लान मत करिए, क्योंकि पूरे पूरे चांस हैं कि आपका जो फैसला है वो गलत हो जाएगा। अपने आसपास के जो आपके लोग हैं, जो जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर भरोसा मत करिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जब आपका कोई अपना ही आपको ऐसी जगह पे मतलब धोखा दे देगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो इस वजह से इस टाइम पे आपके जितने इंपॉर्टेंट काम है, कोशिश करिए कि वो काम आप खुद करें, ना कि बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर भरोसा करें। इस टाइम पे थोड़ी सी आपको बेचैनी महसूस हो सकती है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। घर में अगर माहौल अच्छा नहीं होगा, तो उस वजह से भी आपको अंदर से अच्छा फील नहीं होगा। हाँ, आपके वर्क प्लेस के लिए ये गोचर अच्छा है, क्योंकि इसके सूर्य जब फोर्थ हाउस में होते हैं, तो उनकी जो सातवीं दृष्टि होती है वो टेंथ हाउस में कर्मास के हाउस में पड़ती है। वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं। वर्क प्लेस जो है आपका, वो आप उसमें देखेंगे कि उसमें आपको फायदा हो रहा है। इसके अलावा राजनीति अगर पॉलिटिक्स में है, तो उसमें भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुद के हेल्थ का ख्याल रखना है, खासतौर पर मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, और साथ में फादर के हेल्थ का भी ख्याल रखना है। घर में आपको लगे कि माहौल खराब हो रहा है, तो उसको लाइट करने की कोशिश करिए, और सुबह उठ के सूर्य देवता को जल देने की कोशिश करिए, इससे जो है सूर्य उनको पावर मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। और बात करें अगर तुला राशि वालों के लिए, तो ये गोचर जो है वो आपके थर्ड हाउस में होने जा रहा है, और सूर्य आपकी कुंडली के हिसाब से आपके आय भाव के स्वामी है, यानी 11th हाउस के लॉर्ड है। ये गोचर आपकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर में आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि हो रही है, पराक्रम में आपकी वृद्धि हुई है। जो पहले आप काम कर पाते थे, इस दौरान आप उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल से काम करेंगे। छोटे भाई बहनों को जो है आपके इस गोचर से फायदा होगा। छोटे भाई बहन और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है, उसमें मे भी कुछ मनमुटाव हो जाए, लेकिन तब भी छोटे भाई बहन जो है वो, उनको आपसे फायदा ही मिलेगा, यानी ये गोचर उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, अपने रिलेशनशिप को अगर आप थोड़ा सा मेंटेन करके चलें, तो उसमें भी कोई इशू आने वाला नहीं है। आपको लक का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं अभी तक जो आपको लग रहा था कि लक सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। तो आप अपने वर्क प्लेस में दुगनी मेहनत से जुट जाइए। कोई अगर फैसला अभी तक आप रुके हुए थे कि ये फैसला मैं किसी इंपॉर्टेंट टाइम पे, या चलो बाद में ये फैसला लेंगे, तो वो फैसला इंप्लीमेंट करने के लिए ये टाइम बेस्ट है। महत्वपूर्ण फैसला ले भी सकते हैं, प्लान में चेंजेस भी कर सकते हैं। वर्क प्लेस में चेंजेस करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ट्रैवलिंग आप करते हैं इस टाइम पे, तो कोशिश करिए कि ट्रैवलिंग जो है वो शॉर्ट पीरियड वाली ट्रैवलिंग हो, यानी बहुत ज़्यादा बीच में गैपिंग ना हो, बहुत लंबी जर्नी ना हो, छोटी जर्नी हो, वो आपके लिए फायदेमंद भी होंगी और आप खुद को रिलैक्स भी महसूस करेंगे। वर्क प्लेस में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो काम आपका मेहनत मांग रहा है, कहीं ना कहीं वो काम आपका आगे आपको आपके वर्क प्लेस में बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। तो अगर आपके ऊपर प्रेशर है भी, तो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करिए, और ये मान लीजिए कि जो काम आज आप कर रहे हैं, उससे आपको आने वाले टाइम में 2-3 गुना फायदा होने वाला है। नॉनवेज खाते हैं तो उसे आज ही छोड़ दीजिए। अगर अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो कोशिश करिए इस एक महीने में कम से कम आप उसको ना लें। और इसके अलावा फादर जो हैं आपके, उनका सम्मान करिए, और सुबह उठकर कोशिश करिए कि आप इस एक महीने सूर्य को रोज जल दें या अर्घ दें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके सूर्य जो है वो और पावरफुल हो जाएंगे, और आपको और बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो सूर्य हैं, वो उनके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, यानी द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, जो धन का भाव कहा जाता है। और आपके लिए जो सूर्य हैं, वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, जहां वो दिशाबली होते हैं, दिग्बली होते हैं। ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा है। आप पहले से जो परेशानियां झेलते हुए चले आ रहे थे, ये उन परेशानियों को खत्म करने के लिए आया है। जो लीगल केसेस वगैरह थे, कानूनी विवादों में अगर आप फंसे थे, तो उनसे आपको निजात मिलेगा। किसी से पर्सनली आपकी कोई दुश्मनी चल रही थी, उसमें काफी हद तक आपको आराम
मिलेगा। अगर आपसे किसी की दुश्मनी थी, मतलब दुश्मन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में आप उनके ऊपर हावी होंगे। आप इस टाइम पे अगर कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं जिसमें आपको बोलना, यानी आपका बोलना ही आपकी जॉब है, उस तरह की जॉब में आपको बेहद अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस यानी आर्थिक स्थिति जो है आपकी, अभी तक जो आपको दिक्कत लग रही थी, इस टाइम पीरियड में वो दूर हो जाएगी। और वही सबसे मेन है, पैसों से जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आपको लगभग हर परेशानी का जो है, हर परेशानी से निकलने का रास्ता खुद में खुद सूझने लगेगा। तो जो पैसों की प्रॉब्लम अभी तक आपको हो रही थी वो इस टाइम पीरियड में दूर हो जाएगी। गुरु और सूर्य का केंद्र का संबंध बनेगा, ये भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, अपनी तैयारी को एज इट इज रखिए। और अगर आपने कोई एग्जाम वगैरह आपका इस टाइम पीरियड में पड़ता है तो वो एग्जाम भी आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, तो उसमें आपका आपको काफ़ी अच्छा अप्रोच मिलेगा, पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा। और मे बी अगर वो जो केस आप चल रहा है इस टाइम पीरियड में, वो केस जो है पूरी तरह आपके पक्ष में भी आ जाए। थोड़ा सा आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना है, और बोलने में जब आप किसी से कुछ बातचीत करते हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे किसी दूसरे को कुछ बुरा लग जाए, उसके मन को ठेस लग जाए। इसके अलावा ये गोचर आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया होने वाला है। आपको अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, कंसल्टेंसी से जुड़ी जॉब में है तो भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। और आपका अगर जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब तो उसमें भी आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना है जो आपको आगे चल के बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तो ऑल ओवर आपके लिए बहुत अच्छा है। नॉनवेज अल्कोहल दूर रहना है, फादर का सम्मान करना है, कोशिश करना है कि एक महीने तक आप सुबह सूर्य को जल दें, इससे आपके सूर्य और पावरफुल होंगे और आपको और बेहतर रिजल्ट दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि जिसमें सूर्य का गोचर हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है, आप लोगों के लिए नाइन्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं जो सूर्य हैं, तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जब लग्न में बैठेगा तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपका भाग्य जो है वो, ये टाइम आप समझ लीजिए कि पूरे एक साल में आपको ये एक महीने का ऐसा टाइम मिला है जिसे आपको एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। आपका भाग्य, आपका लक आपसे चार कदम आगे चलेगा। आपने जो काम सोचा नहीं कि वो काम पूरा हो जाएगा, और ये टाइम आपको फिर मिलने वाला नहीं है, ये टाइम आपको फिर सीधे एक साल बाद मिलेगा। इसलिए इस टाइम का पूरा फायदा उठाइए। आपने जो काम पहले से सोच के रखे थे उनको करने की कोशिश करिए, आप देखिए आपका हर काम पूरा होगा। आपका कोई काम पहले से रुका था वो पूरा होगा, पैसे कहीं फंसे हुए थे वो आपको मिलेंगे। यानी हर तरह से ये गोचर आपको फायदा देने के लिए आ रहा है, और ये टाइम जो है इस टाइम को आपको हाथ से नहीं निकल के जाने देना। नया काम शुरू करना था आप नया काम शुरू कर सकते हैं। वर्क प्लेस में चेंजेस करना है आप वर्क प्लेस में चेंजेस कर सकते हैं। अगर या इवन आपको जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, या आपको बिजनेस छोड़ के जॉब करना है, तब भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। जितने भी आपके रुके हुए काम थे वो इस टाइम पीरियड में आपके भाग्य की बदौलत पूरे होंगे। तो इस टाइम को, इस टाइम पीरियड को बिल्कुल वेस्ट मत होने दीजिए। हाँ, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके जो पर्सनैलिटी है ऑल ओवर उसमें डेवलपमेंट होगा। आपके सामने जो व्यक्ति आएगा जब आप उससे बातचीत करेंगे तो आपका एक अलग एनर्जी लेवल होगा जो उसके ऊपर आपके व्यक्तित्व की, आपकी पर्सनैलिटी की छाप छोड़ देगा। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप ऐसे लोगों से मिलकर जो लोग आपको आपके काम में हेल्प कर सकते हैं आप कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि आपका लक जो है वो आपका फुल सपोर्ट कर रहा है। तो इस टाइम को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। आपको भी अगर सूर्य को इतने ही अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए हैं, तो और आपको लगता है कि ये जो पूरा महीना आपका और अच्छे से गुजरे, तो आपको बस नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहना है। फादर से आपको ऐसे कोई बात नहीं करनी जिससे उनके मन को ठेस लगे। और तीसरा, कोशिश करना है कि सुबह जल्दी उठ के आप सूर्य को जल दें। ऑल ओवर ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, हर फील्ड में अच्छा है। बिजनेस, इसके अलावा आपका मैरिड लाइफ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपका जॉब हो गई, किसी भी फील्ड में आप जो सोचेंगे वो चीज होगी, क्योंकि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा है। लक आपसे चार कदम आगे चल रहा है। आप जो चीज सोचेंगे वो लक आपका जो है उस आपको बिना कुछ बोले चार कदम आगे लाके खड़ा कर देगा। तो इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं होना है, और इस एक महीने के लिए आपको कोशिश करना है कि आप जो भी काम आप करना चाहते हैं वो एटलीस्ट आप इस टाइम पीरियड में शुरू कर दें। और अब बात करें अगर मकर राशि वालों के लिए, तो ये टाइम आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सूर्य आपकी राशि से 12th हाउस में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और वो आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। इस टाइम पे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पहले से अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे थे तो वो अब बढ़ जाएंगे, यानी स्वास्थ्य में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर आप अभी आप ठीक हैं तो आपको इस गोचर के दौरान जो है वो आपके आपको अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। दो चीजों का ख्याल आपको और रखना है। एक, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जो इलीगल हो, क्योंकि अगर आपने कोई भी इलीगल काम किया तो आप तुरंत फंस जाएंगे, और इस टाइम पे आपके फंसने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। नंबर दो, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें समाज में आपकी इमेज जरा सी भी खराब हो। आपने अगर कोई भी गलती की, चूक कर दिया, तो
आप सोचेंगे कि समाज में आपकी 1% बदनामी हो रही है, जबकि बदनामी होगी 50%। अब आप समझ लीजिए कि ये टाइम आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, डरने वाली बात नहीं, कोई भी गोचर इंसान से कुछ इंसान के ऊपर कोई मुसीबत नहीं डालता। जो भी होता है वो हमारे कर्मों की वजह से ही होता है। अगर हम ये टाइम जैसे आप थोड़ा सा शांति से गुजार लें, इस टाइम पीरियड में आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले रहे हैं तो रुक जाएं, हेल्थ का प्रॉपर ध्यान दें, अल्कोहल, शराब, नॉनवेज इन सब चीज़ों से दूर रहें, तो बिल्कुल है ये पॉसिबल कि ये जो गोचर है वो गोचर आपको कभी इतना ज्यादा नुकसान नहीं देगा जिसमें आप परेशान हो जाएं। अब गोचर क्योंकि 12th हाउस से होने जा रहा है तो आपको नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं, तो उन चीजों में आपको खुद को शांत रखने की कोशिश करना है। हेल्थ के लिए ऐसा है कि अगर आपने अपने खाने पीने में ध्यान रखा तो आपकी हेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यानी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं, थोड़ा रुक जाइए, ये वाला टाइम निकल जाने दीजिए या एक बार उसके बारे में और सोच लीजिए, तो ऑटोमेटिक जो परेशानियां आ रही हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन ये जो टाइम है, ये टाइम आपके लिए उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इसको आप सोच रहे हैं कि ये इतना अच्छा होगा। तो आपको ये टाइम जो है बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आपके लिए नहीं आ रहा। नॉनवेज वगैरह से बिल्कुल दूरी बना के रखिए, हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए, फादर का सम्मान करिए, फादर का भी जो हेल्थ है उसमें भी ध्यान दीजिए, और कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आपको मतलब किसी भी तरह से कानूनी मामलों में फंसा सकता है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा इस टाइप से है कि आप फंस जाएंगे। दूसरों के विवाद से भी आपको पूरी तरह दूर रहना है। शराब वगैरह बिल्कुल दूर कर दीजिए, पिता का सम्मान करिए, और कोशिश करिए कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप सूर्य उदय से पहले उठें और सूर्य को जल भी दें। इससे आपको जो परेशानी आने वाली है उसमें काफी हद तक आराम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर उनके 11th हाउस से होने जा रहा है और सूर्य आपके लिए आपके 7th हाउस यानी सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। ये गोचर वैसे तो बहुत अच्छा है कई मामलों में, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आपको आपकी इनकम के नए नए सोर्स दिखाई देंगे, आय के आप नए नए सोर्स बनाएंगे। अगर आप किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे तो वो दूर हो जाएगी, पैसा आपके पास आएगा, धन आगमन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, जो काम आपके पहले नहीं बन रहे थे वो बनेंगे। अगर आप फ्री बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा अपने फैसलों को एक बार रीचेक कर लीजिए, यानी आप जो फैसला लेने वाले हैं उसको एक बार फिर से सोच लीजिए, उसके बाद फैसला लीजिए। प्राइवेट जॉब करते हैं तो भी, और अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो भी, जो भी आपसे ऊंचे ऑफिसर हैं, ऊंचे अधिकारी हैं, वो आपका फुल सपोर्ट करेंगे। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो पॉसिबल है कि इस टाइम पे आपके घर में आपका कोई रिश्ता है और आपकी शादी तय भी हो जाए, या मे बी आपकी शादी हो जाए। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक्टिव रहिए, क्योंकि इसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा, राजनीति में सफलता मिलेगी आपको, राजनीति में आप आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। और अगर आपके कोई जो पुराने दोस्त हैं उनसे हो सकता है आपकी मुलाकात हो और वो आपके किसी डिसीजन में मदद करें आपकी, यानी वो आपका सपोर्ट करेंगे जो आपके दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। गुरु और सूर्य का केंद्र का संबंध बन रहा है जो कि बहुत अच्छा है, तो फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसमें। जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में उनका ज़्यादा मन लगेगा, जो गवर्नमेंट वगैरह की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, उन्हें दुगनी स्पीड से लग जाना चाहिए। इस टाइम पीरियड में अगर वो कोई एग्जाम देते हैं तो पूरे चांस हैं कि वो इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, अगर उन्होंने अच्छे से मेहनत की है तो। ये जो फल है इनमें अगर आप चाहते हैं इन्हेंसमेंट हो जाए तो आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, सूर्य को जल दें, फादर का हमेशा सम्मान करें, नॉनवेज अल्कोहल वगैरह से थोड़ा दूरी बना के रखें। इससे क्या होगा कि सूर्य को बल मिलेगा और इससे जो प्रभाव आपको मिलने हैं इनमें और वृद्धि हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों के लिए सूर्य उनके 10वें घर से 10th हाउस से गोचर करेंगे और मीन राशि वालों के लिए सूर्य जो है उनके 6वें घर के स्वामी बनते हैं। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। जब भी सूर्य 10th हाउस से गोचर करते हैं या 10th हाउस में होते हैं तो यहाँ पर सूर्य दिशा बली हो जाते हैं, जिसे दिग्बली भी कहते हैं। यहाँ पर सूर्य और पावरफुल हो जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बहुत सारी फील्ड में यहाँ पर सूर्य के बेहद अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप स्पेशली राजनीति में हैं तो ये आप टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप देखेंगे ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्राइवेट सेक्टर में हैं तो भी ये काम अच्छा होगा। आपके वर्क प्लेस में अगर आप बिजनेस करते हैं, फ्री बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, हर फील्ड में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आप विकास कर रहे हैं, यानी आप एक लेवल से अगले नेक्स्ट लेवल में बढ़ रहे हैं, यानी हर जगह आपको चौतरफा फायदा देखने के लिए मिलेगा। आपके गोचर से आपके फादर को भी बहुत लाभ होगा, यानी आपके जो फादर हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में बहुत फायदा होगा। घर के माहौल को थोड़ा सा आपको शांत रखने की जरूरत है। 10th हाउस में बैठे सूर्य जो है 4th हाउस में अपनी जो है दृष्टि डालेंगे तो आपकी जो मदर हैं उनके हेल्थ में थोड़े से इशू आ सकते हैं और आपके घर में जो माहौल है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो वो चीज़ों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे तो कर सकते हैं और इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आपके लिए हर फैसले 99% सही हैं।
बस आपको फैसला लेने के पहले ये देख लेना है कि जो फैसला आप ले रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही या सटीक है या नहीं। इसके अलावा आप आंखें बंद करके भगवान का नाम लेके शुरू करिए, आप देखेंगे जो काम आप इस टाइम पे शुरू कर रहे हैं वो काम जो है आपका बन रहा है। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि लोगों का आपके प्रति जो नजरिया है वो और अच्छा हो गया है, यानी आपका समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सब में वृद्धि होने वाली है। 10th हाउस में जब सूर्य गोचर करेंगे तो आपके जो दुश्मन थे जो अभी आपको थोड़ा थोड़ा परेशान करते चले आ रहे थे वो पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, और अगर वो आपके सामने आए भी तो वो दोबारा आपके सामने आने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे आप अपने शत्रुओं के ऊपर हावी रहेंगे ना कि आपके शत्रु आपके ऊपर। तो ये गोचर ऑल ओवर अच्छा होने वाला है। नॉनवेज और एल्कोहल इनसे बिल्कुल दूरी बना के रखिए, फादर का सम्मान करिए, और इसके अलावा सुबह जो है आपको उठकर सूर्य को जल देने की कोशिश करनी चाहिए। आप अगर ये करते हैं तो सूर्य को और बल मिलेगा और जो ये रिजल्ट हैं ये और इन्हेंस होके मिलेंगे आपको, यानी और बेहतर परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था 12 के 12 राशियों में सूर्य का प्रभाव। आपकी जो भी राशि हो आप उस राशि के फल के हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से सूर्य का ये एक महीने का गोचर क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है।